हेलो फ्रेंड्स, शादी की रस्में जब भी शुरू होती हैं तो एक रिश्ते के बनने की शुरुआत होती है। जैसे जैसे शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं तो एक लड़का और लड़की आपस में एक बंधन में बंध जाते हैं और शादी की रस्में पूरी होने के बाद उनके लिए एक स्पेशल हॉलीडे डेस्टिनेशन प्लान किया जाता है, जिसे लोग आमतौर की भाषा पर हनीमून भी कहते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हनीमून काफी ज्यादा स्पेशल होता है। चलिए आज जानते हैं कि हनीमून आखिरकार इतना स्पेशल क्यों होता है। दोस्तों, शादी के बाद एक दूसरे को समझने के लिए पति पत्नी को एकांत चाहिए होता है और हनीमून पर उन्हें वही एकांत मिलता है। एक दूसरे पर ध्यान देना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में ख्याल रखने का मौका उन्हें ज्यादा मिल पाता है, जो कि ये मौका उन्हें परिवार के बीच में रहकर जिम्मेदारियों को निभाने के समय पर नहीं मिल पाता है। इसी के साथ साथ असीम रोमांस करने का चांस उनके पास पूरे तरीके से होता है। फिर चाहे सुबह हो या शाम हो, वो जब चाहे रोमांस कर सकते हैं, वो भी किसी की रोक टोक के बिना। इसी के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए ज्यादा समय रहता है और आई कांटेक्ट भी ज्यादा बन पाता है, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक दूसरे के साथ रहकर वो एक दूसरे के लिए बने हैं, ये फीलिंग्स काफी ज्यादा होती हैं। एक दूसरे का कुछ भी करना उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, फिर चाहे वो सेक्स रिलेटेड कोई चीज हो या फिर कोई ऐसी ही चीज हो। अगर आपको जोक्स पसंद नहीं है और हनीमून पर आपके हस्बैंड आपको जोक्स सुना रहे हैं तो शायद आपको वो भी बुरे नहीं लगेंगे। सो दोस्तों, ये है कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हनीमून कपल्स के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होता है। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।